झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 70% करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने के मकसद और दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर है। ये दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। हेमंत सरकार ने आज विधानसभा का सेशन इन्हीं दो विधेयकों को लेकर बुलाया था, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी मुद्दा बना हुआ था। इसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि बीते 20 सालों से बीजेपी अधिकांश समय शासन में रही, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई। इस बार हमारी सरकार ने ऐसा कर दिखाया जो जनता के हित में है। तो वहीं विपक्ष की ओर से कहा गया कि स्थानीयता और आरक्षण सिर्फ विधानसभा के पटल पर पारित करने से नहीं होगा, बल्कि 9वीं अनुसूची के साथ केंद्र में पारित किया जाए, तब जाकर विधानसभा में रखा जाए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% हुआ। विधेयक विधानसभा से पारित एसटी कोटा भी बढ़ाकर 28% हुआ। जोहार शुक्रिया। ईडब्ल्यूएस कोटा की वजह से 50% की लिमिट हटाने का पहला साइड इफेक्ट। कुल आरक्षण 70%, एसटी 28%, ओबीसी 27%, एससी 12%, ईडब्ल्यूएस 10%। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।